बेला, तुम गई नहीं हो लोगों के साथ? तुम्हें मेरा घर में रहना बुरा लग रहा है? अच्छा मुझे ये बताओ कि वो लोग किस वक्त गए थे? बात बदलो नहीं प्लीज। जब कोई बात बदलने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। और जब कोई इसी मौजू पर बात करना चाह रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि बात बदलने की कोशिशें बेकार है। तुम रिलैक्स करो, तुम चिल करो यहीं। हाँ? कम से कम मेरे आने का इंतजार ही कर लिया होता। हमने उन्हें घर से नहीं निकाला, पता नहीं क्या हुआ, दोनों माँ बेटी का मूड खराब हुआ और चली गई। राफे आपा भी कह रही थी कि ये कहाँ रिश्ता जोड़ दिया शानी का, किसी का एहसास नहीं उन लोगों को। तुम सही सही बताओ मुझे, हुआ क्या था आखिर? अरे बात क्या होनी है, पता नहीं उस हानिया को किस बात का घमंड है। वो तो अच्छा हुआ मैंने घर में लात पर बुला लिया और उस लड़की की असलियत सामने आ गई, वरना बाद में तो पता नहीं क्या करती वो लड़की। आप यही पूछ रहे हैं ना कि झगड़ा किस बात का था? मैं बताती हूँ, वो बात ये हुई कि हानिया की अम्मा पूरे घर में ऐसे घूम रही थी कि जैसे हमें चेक करने के लिए आई हैं। तो मैंने उनसे बस इतना कह दिया कि अगर आपको कुछ चाहिए तो हमसे कह दीजिए, बस इतनी सी बात कही और वो मुंह बनाकर चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं बात करने की, बस मैंने फैसला कर लिया, मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है बस। भाई मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर ये हानिया में गुरूर किस बात का है, पॉलर ही तो चलाती है, दुनिया में कितने सारे लोग पॉलर चलाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा बस। अरे शानी तुम्हें भी ना पूरे शहर में बस यही लड़की मिली थी। अरे माना के शक्लो सूरत की अच्छी है, लेकिन खाली शक्लो सूरत का क्या करना होता है, इंसान का मिजाज भी तो होता है। अरे जिस लड़की को इतनी भी तमीज ना हो कि पहली बार ससुराल जा रही है तो वहां कमांड नहीं करनी, हाँ ऐसी लड़की से बाद में क्या उम्मीद रखनी? और नहीं तो क्या, ये तो शुक्र है कि काफी सारे लोग जा चुके थे, अगर सारे लोग ये तमाशा देखते ना तो आपकी पसंद की दिल खोल कर दाद देते। ओ बस बस ठीक है, मैंने कहा ना बात करूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, मैं बताए दे रही हूँ, फोन करके इनकार कर दूंगी मैं। अम्मा अब भाई से पूछकर ही इनकार करना, वरना पिछली बार की तरह कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देगा। अरे नहीं करेगा हंगामा खड़ा, देख लूंगी इसे मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा बाप नहीं है। भाई गलती सारी आपकी बहन और भांजी की है, किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो जबान पर काबू रखना चाहिए, लेकिन उन लोगों को कौन समझाए। हुआ क्या था भाई, मैं जब पहुंची तो बात बहुत बढ़ चुकी थी। अब जो भी है अजमल, बात चाहे कोई भी हो, हानिया को बोलना नहीं चाहिए था। हानिया को बेवकूफ नहीं है कि बेमकसद बोली होगी, कुछ हुआ होगा तो बोली होगी। आपकी शह पर ना ये माँ बेटी शेर हो गई है। तुम्हें तो सदा का बैर है मेरी बहन और उसकी औलाद से। बहरहाल अगर ये सब कुछ है तो फिर मैं ये रिश्ता नहीं होने। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये रिश्ता आपने किया है। हाँ मैंने ही किया था, मेरी ही रजामंदी से हुआ था सब कुछ। अगर आप रजामंद ना भी होते ना, तब भी हानिया शानी से ही शादी करती, या तो आपको मना लेती या फिर खुद ही। बस करो नुसरत प्लीज, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो बहुत फरमा बरदार है। हाँ देख ली उसकी फरमा बरदारी, बदलिहाजी के झंडे गाड़ कर आई है वो अपने होने वाले ससुराल में। हानिया बदलिहाज नहीं है, और अगर वो लोग बदलिहाज हैं तो ऐसे लोगों में उसका रिश्ता हरगिज नहीं होना चाहिए। इतना कुछ हो गया कि आपको लगता है कि अब भी वो आएंगे? लिख ले मेरी बात, अब वो आने वाले नहीं है। वैसे मुझे हैरत तो हानिया पर हो रही है, अभी हमारे घर में आई नहीं तो मेरी बेटी को बेशरम और बदलिहाज कह दिया। अरे तुम जब इस घर में आ जाओगी तब तो हम सबको उंगलियों पर नचाओगी।
भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो वाले अस्सलाम। मुझे नुसरत ने बताया था जो कुछ हुआ। बहरहाल तुम घबराना मत, अल्लाह सब ठीक कर देगा। वैसे मैं तो हिल कर रह गई, वो लोग बहुत चालाक हैं और मेरी हानिया वो तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हानिया अगर उनके काबिल नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें भी कोई जरूरत नहीं कि हम अपनी बेटी उनके घर में दें। मैं भी यही सोच रही हूँ भाईजान, कैसी जगह पर बेटी देने से पहले फिर सोच लो। बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन देखो हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, कोई ऐब नहीं है उसके अंदर, उसे कोई रिश्तों की कमी नहीं है। तुम चाहो तो इनकार कर लो। शादी के करीब के दिन थे और ऐसे मौके पर ये सब कुछ हो गया। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, ये सब कुछ होने से पहले ही उन लोगों की कमीनगी के बारे में तुम्हें पता चल गया। लेकिन भाई जब लोग तो यही कहेंगे ना कि मेरी बेटी में कोई खामी थी। देखो लोगों की परवाह मत करो, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों में कहने के चक्कर में क्या हम अपनी बेटी को जहन्नुम में भेज दें? तो ठीक है, ठीक है भाईजान, मैं उन्हें इनकार कर दूंगी। सुनो, कोई फिक्र मत करना, समझी? मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। बहू बनके और पहले ही नन पे सारे जोर जमाने शुरू कर दिए तुमने। हेलो, मुझे लगा तुम शायद मेरा फोन ही नहीं उठाओगी। आप ही की कॉल का इंतजार कर रही थी मैं। तुम्हारे कारनामों की खबर ना मिल गई है मुझे। तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी को कितनी मुश्किल से मनाया था मैंने रिश्ते पे। अब मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए। मेरे घर वाले भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, जहां पर घर बुलाकर इस तरह से इंसल्ट की जाए वहां आइंदा के लिए उम्मीद रखना सिर्फ एक बेवकूफी। हमने तुम लोगों की इंसल्ट किया, तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। जरा सी बात कर दी तारा ने और तुम लोगों ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। बहुत ही अफसोस की बात, शानी आप भी उसी की साइड ले रहे हैं। मैं तो क्या करूं, किसकी साइड लूं, तुम्हारी साइड लूं जिसके लिए मैंने दुनिया भर की मुखालफत मोल ली है। बस कर दें शानी, यूं बात बात पे एहसान जताना छोड़ दें कि आपने मुझसे मोहब्बत की है। मैंने आपको इस मोहब्बत के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि आपने मेरे अंदर इस मोहब्बत का एहसास जगाया था जिसकी इतनी बड़ी सजा काटनी पड़ेगी मुझे अंदाजा ही नहीं था। पता है तुमने ना हमेशा मेरी मोहब्बत को सजा ही समझा है। नहीं शानी, आप पर तो एतबार था मुझे कि मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देंगे और इसीलिए मैंने आपके लिए अपनी फैमिली को कायल भी कर लिया था। लेकिन जानिए आप मेरा साथ दे ही नहीं सकते। जिस शख्स को सच और झूठ में एक फर्क नहीं पता वो क्या साथ निभाएगा। हमिया परेशान बिल्कुल नहीं हूं, खुदा ने चाहा तो हानिया के लिए कोई इससे भी अच्छा सबब बनेगा। मगर डरती हूँ बेटा कि शादी से पहले ही रिश्ता खत्म हो गया तो खानदान भर में बातें बनेंगी। हमें कोई बात नहीं बनाए, जो बातें बनाते हैं उन्हीं के सामने तो सब कुछ हुआ है।
लेकिन वो नुसरत भाभी, वो तो मुझे और हानिया को ही कसूरवार कहती है ना। मम्मी उन्हें तो मौका चाहिए, और आपकी भी तो गलती है, आप उन्हें साथ ले गई। आपको तो पता है कि वो हमारी कितनी हमदर्द है। बेटा मुझे क्या पता था कि वहां जाकर ये सब कुछ होगा। आपने आपने हानिया से बात की? हाँ की थी मैंने, उसने तो चुप सी साथ ली है। अम्मी मैं तो बस यही कहूंगा कि आप जो भी कीजिएगा हानिया की मर्जी जानकर कीजिएगा। हाँ बेटा ठीक कह रहे हो तुम। आप पर तो एतबार था मुझे कि मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देंगे, और इसीलिए मैंने आपके लिए अपनी फैमिली को कायल भी कर लिया था। लेकिन जानिए आप मेरा साथ दे ही नहीं सकते। जिस शख्स को सच और झूठ में एक फर्क नहीं पता, वो क्या साथ निभाएगा। मेरा चैन मेरी नींदें उड़ा के तुम खुद चैन से सो सकती हो? जो कहना जल्दी कहिए। हानिया मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं वादा करता हूं तुमसे कि अगर ज्यादती तुम्हारी फैमिली के साथ हुई तो मैं उसका अजाला करूंगा। किसी की कोई गलती नहीं है शानी, बस अब आप भूल गए। अरे पागल भूल ही तो नहीं सकता, मोहब्बत के सफर में जितना आगे मैं आ गया हूँ आनी, अब एक कदम भी पीछे नहीं ले सकता। लेकिन अब आपको इसे मुमकिन बनाना होगा। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बस मुझे अपनी इंसल्ट का जरा सा भी अफसोस नहीं, लेकिन मेरी माँ के साथ जिस तरह से बिहेव किया गया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आनी अगर ऐसा है तो मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं खुद इस गलती का अजाला करूँगा। जानती हो ना मैं वही करता हूं जो मैं कहता हूं। अब फोन भी तभी करूंगा तुम्हें जब दिल से मुझे माफ कर चुकी होगी। बात सुनो, तुमने हानिया की माँ से बदतमीजी की? अच्छा तो खूब कान भरे हैं आपके हानिया ने। मेरे किसी ने कान मान नहीं भरे, तुमसे जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दो मुझे। इससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो क्या कहा है उसने तुम्हें? देख ले अम्मा, भाई को लगता है कि सारा का सारा कसूर मेरा ही था। जितना मैं हानिया को जानता हूँ ना, एक बात मुझे अच्छी तरह पता है, वो बदतमीजी करने वालों में से नहीं है। हाँ बदतमीजी तो हम करते हैं, वो तो फरिश्ता है, दूध की धुली है वो। क्या कहा है उसने? उसने मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ सारी रात फोन पर गिटमिट बातें करते रहे हो, और सुबह उठते ही तुमने मेरी बच्ची की अदालत लगा ली। मैं कोई अदालत नहीं लगा रहा हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप मुझे आराम से इत्मीनान से साफ साफ बता दें आप क्या चाहती हैं। मैं जो चाहती हूँ ना, हानिया की माँ को फोन करके बता दूंगी मैं। मेरी बात सुन लें आप, अगर आपने उनको फोन करके कोई भी ऐसी वैसी बात की ना जिसकी वजह से तो मैं पता क्या करूंगा, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और मैं कभी वापस भी नहीं आऊंगा। क्या देख रही हो उस लड़के को? अरे अरे इस दिन के लिए मैंने बेटा पैदा किया था, क्या आज मुझे धमकियां देंगे? या अल्लाह ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हो गया है? ये ले पानी पिए आप। नहीं पी रहा मुझे पानी। बात सुने? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। यार आप ऐसे क्यों कर रही हैं? आप भी तो हद करते हैं ना, पता नहीं क्या कह दिया अब आपने अम्मा को। यार तुम्हारी कमेंट्री जरूरी है अभी? तुम्हारा बोलना जरूरी है? तुम चुप रहो। आप मेरी बात सुनो, जरा इत्मीनान से जरा सोचें, अगर ये रिश्ता इस तरह टूट गया अब इस पॉइंट पे तो लोग माशाल्लाह सारी दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी? शर्मिंदगी नहीं होगी हमें? बदनामी नहीं होगी हमारी?
वो बाकी सबको छोड़े, मैंने अपने एक एक दोस्त को यही बोला है कि मैं तो अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ। वो तो यही सोचेंगे ना कि लड़की वालों ने किसी वजह से इनकार कर दिया। ये तो हानिया के घर वालों के सोचने का काम है। रिश्ता खत्म होगा ना तो देते फिरेंगे लोगों को जवाब। नहीं, क्योंकि करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको आनिया की कोई बात बुरी लग गई है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। बस शानी, शानी तेरी गैरत तो कहीं मर गई है जाकर। देख, तू आज इनकार करना, शहर भरा पड़ा है लड़कियों से। मैं शाम तक तेरा दूसरा रिश्ता करवा दूंगी। क्यों करवाना है रिश्ता जब हो रहा है ऑलरेडी रिश्ता? आप मेरी बात सुने। देखें, आपको बुरी लगी ना बात, आपको गुस्सा है ना आनिया पे, तो शादी हो जाने दे। मैं आपको मौका दूंगा ना, आप कल को गिन गिन के अपने बदले ले लेना भाई। बस सोच ले शानी। सोच लिया मैंने, लेकिन मैंने और बहुत सोच के ही रिश्ता किया है, क्योंकि वो अपने घर वालों की कितनी लाडली है, तो इस शादी में फायदा भी तो होगा। गुस्सा क्यों दिला देता है तू मुझे फिर? चल नाश्ता कर, पानी पी लो। मैं नहीं पी रहा। पानी नाश्ता पानी कर, तू बैठ कर। चल बैठ, गरम चाय लेकर आ भाई के। सो ये तो बताओ कि अगर सर ने अभी हम दोनों को साथ लंच करते हुए देख लिया तो क्या? छुपाऊंगी थोड़ी मैं उनसे, बता दूंगी कि तुम्हारे साथ लंच कर रही थी भाई। तो फिर ये लंच मेरी जिंदगी का आखिरी लंच होगा। बाबा इतने क्रूअल नहीं है, ट्रस्ट मी। आई नो, एक्चुअली तुम रोज उनके साथ ही लंच करती हो, इसलिए क्या? हाँ ये बात तो है, बट एनीवेज मुझे ये बताओ कि हम लंच करने के बाद कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना है? इसके बाद ऑफिस जाएंगे? जी नहीं, जहाँ मैं कहूंगी वहां जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ना तुम कुछ कहोगी और ना मैं कुछ सुनूंगा, अंडरस्टैंड? मुझे जाना है, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुननी, बस। कहाँ जाना है? तुम्हारी अम्मी से मिलने। जावेद, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड ना बहुत इरिटेट करता है। पता है किसी दिन मैं खुद ही चली जाऊंगी तुम्हारी अम्मी से मिलने और उनको बताऊंगी जी मैं मरियम हूँ जिससे आपका बेटा मिलवाते हुए शर्माता है। यार ऐसी बात नहीं है, पहले हानिया की शादी तो होने दो, उसके बाद मिलवा दूंगा ना तुम्हें, और फिर मेरी अम्मी तुम्हारे पापा से हमारे लिए बात भी कर लेंगे। हानिया से मिलवा दो। हाँ, उससे मिलना तो कोई इशू ही नहीं है, तुम किसी वक्त भी मिल सकती हो उसे। फोन में तो चले? अभी नहीं, अभी मुझे ऑफिस में बहुत काम है। प्लीज फाइन, मुझे एड्रेस दे देना, मैं खुद ही जाके मिल लूंगी। नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली, वैसे भी मैं उसको तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। चलो शुक्र है किसी को तो बताया। बेटा और क्या बात रह गई है जो तुमने करनी है? आंटी इस तरह क्यों बात कर रही हैं जैसे कोई बेगाना हो? आपका होने वाला दामाद हूँ। अच्छा, और होने वाली बहू, उसकी कोई हैसियत नहीं क्या? आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए जो भी हुआ प्लीज उसे भूल जाइए, और तारा की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। बेटा बेटियों के मामले बहुत नाजुक होते हैं, और मैं नहीं समझती कि इस वाक्य के बाद कोई रिश्ता कायम हो सकता है। आंटी मैंने लाइफ में कभी किसी के सामने कान नहीं पकड़े, आपके लिए वो भी पकड़ता हूं मैं। आप तुम ही समझाओ ना आंटी को। मैं क्या बोलूं, वैसे भी आपने तो गलती नहीं की है ना शानी, जो आप माफी मांग रही। जिसने गलती की है माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए ना। हाँ तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ नानी, जब गलती मेरी नहीं है तुम्हारी नहीं है तो फिर हमें क्यों सजा मिल रही है? बेटा जो भी बात करनी है ना वो डायरेक्ट मुझसे करो। आंटी हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इंसान नादानी में कभी कभी गलती कर बैठता है बेटा। ठीक है आंटी, पर देख लीजिए मैं तो अम्मी को भी बोल के आया था, जब तक आप माफ नहीं करेंगी ना घर वापस नहीं आऊंगा, यही आपके दरवाजे पे बैठा रहूंगा, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा अच्छा ठीक है, माफ कर दिया मैंने, कोई शिकवा नहीं मुझे किसी से, लेकिन। अरे आंटी जब आपने माफ कर दिया तो फिर लेकिन की तो कोई जगह ही नहीं बची ना। ये देखिए बताइए कि कैसा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर बात करूंगी।
तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? आप मम्मी को सॉरी करने के लिए आए थे या फिर कार्ड दिखाने के लिए आए थे? दोनों। मुझे लगा एक साथ दोनों काम हो जाएंगे तो कोई हर्ज थोड़ी है। सिद्ध के वाकई बहुत पक्के हैं। देखो तुम आंटी को समझा लो, अगर नहीं समझी ना तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जब तक रुखसती का टाइम नहीं आएगा यहीं दरवाजे पे बैठा रहूंगा मैं, घर भी नहीं जाऊंगा। कोशिश करूंगी मैं। चला गया वो? जी। फिर कोई नई उम्मीद दिला गया तुम्हें? जो कुछ कल हुआ ना बेटा, उसके बाद उसकी कोई भी दलील कोई भी बात मेरे वहम को खत्म नहीं कर सकती। मोहब्बत खुद ऐसी दलील है जो हर वहम को खत्म कर देती है। ये कैसी मोहब्बत है बेटा कि उसके घर वालों की नजर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं। अम्मी कि अगर वो खुद वहां मौजूद होते तो फिर शायद ऐसा नहीं होता। हाँ बेटा, जो जो कदम तुम बढ़ा रही हो ना जिस सफर के लिए, बहुत कठिन है। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ जो मेरे किसी भी सफर को कठिन नहीं होने देंगी। मेरा बच्चा मेरी जान, एक बार फिर सोच लो बेटा, मेरा दिल बहुत डर रहा है। अम्मी उनको अपनी फैमिली के किए पे बहुत नदामत थी, इसलिए तो वो माफी मांगने के लिए चले आए। हेलो। हेलो साले बहन, मैं रक्षंदा बात कर रही हूँ। कल तो मौका ही नहीं मिला बात करने का। कहिए। हाँ स्वाले बहन, वो मैं हानिया का लहंगा बनवाने जा रही थी तो मैंने सोचा उसकी पसंद का रंग ही पूछ लूँ। वैसे मैंने पसंद कर लिया, बहुत कीमती भी है और नफीस भी। अरे उससे तो आंखें ही नहीं हटती, इतना खूबसूरत है। अब आप सुन रही हैं ना? जी जी जी, मैं सुन रही हूँ। तो फिर क्या कहती हैं आप? मैं क्या कह सकती हूँ मैं? लगता है आपने कल की बातों को दिल पर ले लिया है। अरे भाई गलत फहमी हो गई थी ना तो बात बिगड़ गई, और आपके जाने के बाद मैंने तो तारा की ऐसी क्लास ली कि वो याद रखेगी। बस आप भी भूल जाए ना। सालिया बहन, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? जी जी जी, मैं सुन रही हूँ। तो फिर आप क्या कहती हैं, लहंगा सुर्ख बनाऊं या मैरून, या फिर आप लोग अपनी पसंद का रंग बता दें? भाई जिसने पहनना है आखिर पसंद तो उसी की होनी चाहिए ना। अब देखिए, वो जो पहले दिन का जोड़ा है वो हमारे यहाँ रस्म है कि वो मैके वालों की तरफ से होता है, आप वलीमे का जोड़ा बना लीजिएगा। चलें ठीक है, हम वलीमे के लिए बनवा लेते हैं। खुदा हाफिज़। क्या बात है अम्मा, मैं तो 1,000 रुपये मांग लूँ तो सबकी जान पर बनाती है, और उस हानिया के लिए उसकी पसंद का लहंगा बनवाया जा रहा है। कौन बनवा रहा है लहंगा? ये जो अभी आप फोन पर बात कर रही थी। अरे भाई वो सालिया ये कह रही थी कि हमारे यहाँ बेटियाँ पहले दिन का घर से पहनती हैं लहंगा, तो फिर वलीमे का तो बनवाना पड़ेगा, और इतना महंगा थोड़ी बनवाऊंगी मैं। वैसे अम्मा आपने ये लहंगा पसंद कब किया, मुझे तो खबर ही नहीं। भाई आजकल किराए पर मिल जाते हैं, पहनो और वापस कर दो। ये तो है, लेकिन एक बात सुन लें आप मेरी, मैं अपनी शादी पर किराए का लहंगा नहीं पहनूंगी। तौबा तौबा, कैसे मुंह फाड़ कर अपनी शादी का जिक्र कर रही है। अब पुराना जमाना नहीं है अम्मा जो शादी के नाम पर लड़कियां शर्मा कर कोनों में घुस जाएं। शानी की अम्मी ने इस तरह से बात की जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं।
अम्मी उनका बात करने का अंदाज ही ऐसा है। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, मैं तो दुआएं दे सकती हूँ ना। और इससे अहम और कीमती मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। सदा खुश रहो। आपको कुछ खबर भी है? इतना कुछ होने के बावजूद माँ और बेटी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अरे तुमसे कहा तो था कि उनका हाथ बटा दिया करो, बेला को ही भेज दिया करो उनके साथ। मैं आपसे क्या कह रही हूं और आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं, जरा समझा के बात किया करो। शानी के घर वालों ने कोई कम बेइज्जती नहीं की थी उन लोगों की जो उन्होंने अब शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी तो तुम कह रही थी कि हानिया और सालिया का कसूर है। हाँ वो मेरा मतलब है कि इतना कुछ कह ही दिया था तो उन दोनों को चुप हो जाना चाहिए था ना। हाँ मेरी बात हुई थी सुबह सालिया से, वो कह रही थी कि उन लोगों ने अपने रवैये पे माजरत कर लिए। बहुत खूब, जी भर के पहले बेइज्जत कर दो फिर फूलों के हार गले में डाल दो। मैंने कभी हानिया के लिए तुम्हें दुआ करते हुए नहीं देखा। जहाँ एहसास नहीं होता ना वहाँ दुआएं नहीं निकलती। आज बेटे ने क्या चार पैसे कमाने शुरू कर दिए, मिजाज ही नहीं मिलता उन लोगों का। सब भूल गए क्या आपने खिलाया पिलाया, अखराजात उठाए सारे, कुछ याद नहीं है उन्हें। अरे भाई नेकी करके जताया नहीं करते, और फिर ये नेकी कौन सी थी, ये तो फर्ज था हमारा जो हमने अदा किया। आपको अपने फर्ज याद है लेकिन कुछ फर्ज उनके भी तो है, हम नेकी करके भूल जाए और उन्हें हमारी नेकियां भी याद ना रहे। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो, क्या करूं? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ आपसे, जो आप कह रहे हैं ना कि हानिया की शादी में मैं और मेरी बेटी उनकी मदद करें, तो ये मुझसे नहीं होगा। दिल दुखता है मेरा, हानिया छोटी है बेला से और आज उसकी शादी हो रही है, क्या उनको हमारी बेला नजर नहीं आई? अच्छा चलो हानिया की शादी हो जाए फिर बात करता हूँ सालिया से। नहीं ये बात अभी होगी इसी शादी में, पूरे खानदान वाले मौजूद होंगे ताकि हम मंगनी कर दें। ठीक कर लेता हूँ। जरा रोब से बात कीजिएगा। हाँ क्या है आपका? अच्छा यार रोब से बात करूंगा भाई। ओके हानिया। हे मरियम। हाय हाय, तुमने मुझे कैसे पहचाना? ये प्यारी सी लड़की की तस्वीर सिर्फ मेरे भाई के फोन में ही नहीं होती बल्कि उनकी आंखों में भी दिखती है। रियली मुझे तो लगा था कि शायद उसने घर पे बस सरसरी सा बताया होगा। नहीं नहीं मेरे भाई मुझसे सब कुछ शेयर करते हैं। इसका मतलब तुमसे तो बना के रखनी पड़ेगी। नो डाउट। अरे आओ ना बैठो प्लीज। हम मुझे बताओ तुम्हारी शादी की तैयारी कैसी जा रही है? ओह बहुत अच्छी, एंड देयर ऑलमोस्ट डन। अब अम्मी को तो नहीं मैं मार्केट में लेके घूम सकती ज्यादा देर, और भाई को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अब जो कुछ भी है मुझे खुद ही करना पड़ता है। अरे तो तुम मुझे कॉल कर दिया करो, मैं फ्री होती हूँ तुम्हारे साथ चलूंगी। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। और शादी पे बुलाना है मुझे, मैं सब फंक्शंस पे आऊंगी। हाँ हाँ अब तो बनता है। पता है जावेद ने अभी तक मुझे इन्वाइट नहीं किया, मेरे बाबा से डरता है वो। ओ, बहुत जो है उसके, बनता तो है डरना। अरे नहीं वो इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान है और जावेद बहुत पसंद है उन्हें, बहुत तारीफें करते हैं उसकी। अभी भी उन्हें बता के आई हूँ कि जावेद की बहन से मिलने जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पता है पेरेंट्स को सब कुछ पता होना चाहिए। एग्जैक्टली यही बात तो मैं जावेद को कहती हूँ लेकिन सुनता ही नहीं है मेरी। इतनी बार कहा है कि अपनी अम्मी से मिलवा दो बट नो। ओह यू जस्ट डोंट वरी, अब सारे काम मुश्किल नहीं रहे। हाँ हो मैं तो इतनी बातों में लगी, कुछ लोगी कॉफ़ी चलेगी? कॉफ़ी शास्ता प्लीज़ कॉफ़ी ऑर्डर कर दें। म
मैं सिर्फ तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है सालिहा। जी भाईजान कहिए, आपकी हर बात मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो सालिहा, मैं चाहता हूँ कि हानिया की शादी के साथ साथ तुम जावेद के बारे में कुछ सोचो। भाई शादी ना सही, होनी सही। हाँ भाईजान, वो मैंने जावेद से बात की थी, मगर वो कहता है कि हानिया की शादी के बाद ही सोचूंगा। जब सोच नहीं है तो फिर अभी क्यों नहीं? आप अगर कहते हैं तो मैं दोबारा बात कर लेती हूँ। देखो सालिहा, मैंने जावेद को हमेशा अपना बेटा समझा है। भाईजान, इसमें भी कोई कहने वाली बात है? आपने तो बेला, हानिया और जावेद में कोई फर्क नहीं रखा। बेला अब माशाल्लाह से जवान हो चुकी है, और तुम तो जानती हो कि नुसरत की तबीयत में थोड़ी सी जल्दबाजी है। मुझे डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो बेला के लिए उस तरफ माइल हो जाए। ठीक है भाईजान, आप परेशान ना हो, मैं जावेद से दोबारा बात करती हूँ। और सब ठीक चल रहा है ना? जी भाईजान, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं। ये बेचैनी किस चीज की है? अगर मैं तुम्हें बता दूंगी ना तो तुम मुझसे ज्यादा बेचैन हो जाओगी। बताएं किस चीज की बेचैनी है? तुम्हारे बाबा गए हैं तुम्हारी फूफो के पास बात करने। किस चीज के लिए? यही के हानिया की शादी में तुम्हारी और जावेद की मंगनी कर दी जाए। क्या बात हुई? बात करेंगे जावेद से। बात? कौन सी बात? भाई जावेद से उसकी रजामंदी लेगी फिर बताएगी हमें। क्या मतलब है? क्या अभी तक उसने जावेद से बात तक नहीं की? तुम इतनी बेचैन क्यों हो जाती हो? वो करेगी बात जावेद से। उसे यकीन है कि जावेद इनकार नहीं करेगा। अगर उसे यकीन होता ना तो आपको इस तरह दिलासा देके नहीं भेज देती। वैसे भाई मुझे मरियम बहुत अच्छी लगी है। आखिर पसंद किसकी है? पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसे पसंद नहीं किया होगा। आई एम श्योर उसने आपको पसंद किया होगा। क्या मतलब? अरे कोई मुझे बता रहा था कि आप उसके पापा से बहुत डरते हैं। एक ही मुलाकात में सब बता गई। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई हमारी, अब हमसे बच के रहे आप। सुभाई, आई रियली लाइक्ड हर, शी इज सो फ्रेंडली मैन। ऐसी है वो। आप मुझे एक बात बताएं, अम्मी से क्यों नहीं मिलवा रहे उसे? मिलवा दूंगा। रहने दीजिए, आप ये तकलीफ भी ना करें। मैंने सोचा है कि आपका ये काम भी मैं खुद कर दूं। अच्छा हानिया, तुम्हें क्या लगता है अम्मी को मरियम पसंद तो आ जाएगी ना? मरियम ही पसंद आएगी, और कोई लड़की उन्हें पसंद आ ही नहीं सकती। और ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती? इसलिए क्योंकि हमारे लिए आपकी पसंद के आगे और कुछ है ही नहीं। वाह वाह वाह, आदाब अर्ज है। लो अम्मी भी आ गई, अभी पता कर लेते हैं। हानिया जी। अम्मी। बेटा मुझे जरा जावेद से बात करनी है। जी जी अम्मी, बल्कि भाई ने भी आपसे कुछ बात करनी है, बस अल्लाह इन्हें हिम्मत दे दे। जी अम्मी कहिए। ये हानिया क्या कह रही थी? तुमने मुझसे कोई बात करनी? अम्मी आपकी बात ज्यादा अहम होगी जब भी आपने हानिया के सामने नहीं की, सो प्लीज कहिए।
हाँ बेटा, वो भाईजान चाहते कि तुम्हारी और बेला की शादी। मैं, आप तो सब जानती हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, भाईजान को इनकार भी तो नहीं कर सकती। जाहिर, आप इनकार करेंगी तो मुमानी अपने एहसानात की पिटारी खोल कर बैठ जाए। बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद एक भाईजान ही तो थे जिन्होंने हमें सहारा दिया, हमारे सर पे हाथ रखा। अगर वो ना होते तो पता नहीं आज हम कहाँ होते बेटा। लेकिन मैं इन एहसानों का बदला अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नहीं चुका सकता।